गांव में एक सेठ रहा करता था, लेकिन पूरे गांव में किसी के घर में टीवी नहीं था। परंतु जब वह सेठ अपने घर टीवी खरीद के लाता है तो पूरे गांव में भीड़ जमा हो जाती है और वह सभी सेठ का टीवी देखने के लिए वहां पहुंच जाते हैं। और सेठ सभी गांव वालों को धमकाते हुए उनसे बोलता है, अरे तुम गरीब लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरे घर के बाहर खड़े होकर मेरे टीवी को देखने की। सेठ, पूरे गांव में किसी के पास टीवी नहीं है सिवाय तुम्हारे। पहली बार हम सभी गांव वालों ने टीवी देखा है जिसमें तरह तरह के शो दिखाए जाते हैं। अगर तुम हम सबको भी टीवी थोड़ी देर देखने दोगे तो इससे तुम्हारा क्या बिगड़ जाएगा। अरे ये टीवी मैं अपने पैसे से लाया हूँ, ना कि तुम्हारे पैसे से, इसीलिए टीवी को देखने का सिर्फ मेरा अधिकार है। और यदि फिर भी तुम सभी गांव वालों को टीवी देखना है तो तुम सबको एक घंटे के 200 रुपए देने होंगे। तुम वैसे भी खूब बेईमानी करते हो और हम गांव वालों की मेहनत की कमाई से ही टीवी लेकर आए हो, और अब तुम चाहते हो कि हम तुम्हें 200 रुपए दें, तब जाकर तुम बदले में हमें एक घंटा प्रोग्राम देखने दोगे। रहने दो सेठ, जब टीवी नहीं था तब कौन सा हम गांव वाले टीवी देख रहे थे, इसीलिए तुम अपनी टीवी अपने पास रखो। इस तरह से सभी गांव वाले वहां से चले जाते हैं। लेकिन जब भी सेठ के घर टीवी चल रहा होता है तो कोई ना कोई छुपके से सेठ के टीवी को देख ही लेता है। इसी तरह से एक बार बोनी नाम का एक छोटा सा बच्चा कहीं जा रहा होता है, तभी उसकी नजर सेठ के घर में चल रही टीवी पर पड़ती है और वो बाहर खड़ा होकर छुपके से सेठ के टीवी को देखने लगता है। लेकिन तभी सेठ घर से बाहर निकलता है और वो बोनी को टीवी देखते हुए पकड़ लेता है, जिसके बाद सेठ बोनी से बोलता है, अच्छा तो तू सुबह से इधर खड़ा होकर छुप छुप कर फ्री में मेरा टीवी देख रहा था है? नहीं सेठ, मैं तो यहाँ से बस गुजर रहा था, मैंने तुम्हारा टीवी नहीं देखा। पर हाँ, जब तुम्हारे घर से शोर की आवाज आई तो मुझे लगा तुम्हारे घर में कुछ अनहोनी हो गई है, और जब मैंने खिड़की से झांका तो मैंने देखा कि तुम तो टीवी देख रहे थे। झूठ बोलता है और फ्री में मेरा टीवी देखता है, चल पैसे निकाल मेरे। इतना बोलकर सेठ उस बच्चे को मारने लगता है और उससे पैसे मांगने लगता है। तभी उस बच्चे की माँ बिंदिया वहाँ आ जाती है और सेठ को अपने बच्चे को मारते हुए देख सेठ से बोलती है, सेठ तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बच्चे को हाथ लगाने की? आखिर इसने ऐसा क्या किया जो तुम मेरे बच्चे को मार रहे हो? क्या कर दिया? अरे पूरा गांव जानता है कि मेरा टीवी जो कोई देखेगा उसे एक घंटे के 200 रुपए देने पड़ेंगे, और तेरा बेटा सुबह से यहाँ खड़ा होकर टीवी देख रहा है, उस हिसाब से तो मैं सिर्फ इससे 200 रुपए मांग रहा हूँ। अरे सेठ, हम गरीब की गरीबी का ऐसा फायदा मत उठाओ कि आने वाले समय में जब तुम्हें गरीबों की जरूरत पड़े तो हम तुम्हें तुम्हारे दिन याद दिला दें। और रही बात 200 रुपया की, तो अगले महीने मैं तुम्हारे पैसे तुम्हारे मुंह पे मार जाऊंगी। इतना बोलकर बिंदिया अपने बेटे के साथ घर जाती है और बिंदिया खुद खेत में काम करने चली जाती है और पूरे दिन काम करके एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है, जहाँ वो अपना सारा दुख सुख उस पेड़ को बताती थी। आज भी बिंदिया उस पेड़ के नीचे बैठकर उस पेड़ से बोलती है, काश कि टीवी भी एक पेड़ की तरह होता और उसका मुझे कोई बीज मिल जाता, फिर मैं उस बीज को तुम्हारी तरह इसी जमीन में लगा देती, फिर वो भी टीवी बन जाता और फिर मेरा बच्चा उस टीवी में जो भी उसका दिल करता वो देख पाता। लेकिन अफसोस, टीवी खरीदने के लिए मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। और तो और, उस सेठ से मैंने ये भी कह दिया है कि अगले ही महीने मैं उसके 200 रुपए लौटा दूंगी, लेकिन 200 रुपया कमा कर किसी को देना मुझ जैसी गरीब के लिए बहुत बड़ी बात होती है। इतना बोलकर बिंदिया अपनी गरीबी को कोसने लगती है और वो रोने लगती है। लेकिन इतने सालों में जिस पेड़ ने कभी नहीं बोला था, आज वो बिंदिया का दुख बर्दाश्त नहीं कर पाता और बिंदिया से बोलता है, बिंदिया मैं एक जादुई पेड़ हूँ, तुम हमेशा अपना सुख दुख मुझे बताती हो, परंतु मैंने कभी तुम्हें कोई जवाब नहीं दिया। मैं डरता था अगर मैंने तुम्हें बता दिया कि मैं जादुई पेड़ हूँ तो तुम सभी गांव वालों को बता दोगी और फिर लालची गांव वाले मुझसे आकर कुछ ना कुछ मांगा करेंगे, परंतु आज तुम्हारा दुख देखकर मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ, इसीलिए मैं तुम्हें अपनी सच्चाई बता रहा हूँ और साथ में तुम्हें एक जादुई टीवी भी दे रहा हूँ। पर तुम्हें मुझसे वादा करना होगा
कि चाहे कुछ भी हो जाए तुम मेरी सच्चाई किसी को नहीं बताओगी। अगर तुमने मेरी सच्चाई किसी को बताई तो ये जादुई टीवी खराब हो जाएगा और तुम और भी ज्यादा गरीब हो जाओगी। क्या जादुई टीवी? लेकिन मुझे तो टीवी चलाना ही नहीं आता जादुई पेड़। और रही बात आपकी सच्चाई की, तो मैं मर जाऊंगी लेकिन कभी किसी को पता नहीं चलने दूंगी। बिंदिया की बात सुनकर जादुई पेड़ बहुत खुश होता है और वो बिंदिया को इस टीवी को चलाने का एक राज बताता है। बिंदिया, जादुई टीवी तुम्हारे बोलते ही अपने आप चलेगा, परंतु हाँ, जैसे और टीवी को बिजली की जरूरत होती है चलाने के लिए, ठीक उसी तरह से इस टीवी को भी किसी चीज की जरूरत है और वो है तुम्हारा नाच। अगर तुम इसके सामने खुश होकर नाचोगी तो ही ये चालू होगा और तुम्हारी बात मानेगा और तुम्हारी बातों का जवाब देगा। यदि तुम इसके सामने रोगी तो ये तुम पर ही उल्टा गुस्सा होगा। तो अब देख लो कि जादुई टीवी को कैसे चलाना है। मैं सब कुछ समझ गई हूँ जादुई पेड़। अब बिंदिया उस जादुई पेड़ को अपने साथ घर ले जाती है। अपने घर में भी टीवी देखकर बोनी बहुत खुश होता है, जिसके बाद बिंदिया बोनी से बोलती है। बोनी बेटा, मुझे तुम्हें एक राज की बात बतानी है। मेरी कसम खाओ कि तुम ये बात कभी किसी से नहीं बताओगे। माँ, मैं आपकी कसम खाता हूँ, आप मुझे जो भी राज बताओगी वो मैं किसी को नहीं बताऊंगा। जिसके बाद बिंदिया उसको टीवी चालू करने का राज बताती है। अब बोनी उस टीवी को चालू करने के लिए उस टीवी के सामने नाचता है और अपने बेटे को नाचता देख बिंदिया की हंसी निकल जाती है। वह लोग जादुई टीवी देखकर बहुत खुश होते हैं, इसलिए वो टीवी चालू हो जाता है और बोनी अपनी माँ से बोलता है। ये क्या माँ, मुझे तो कार्टून देखना था पर इसमें तो गाने चल रहे हैं। बोनी के इतना बोलते ही अपने आप टीवी में कार्टून चल जाता है। बोनी ये देखकर बहुत खुश होता है, जिसके बाद बिंदिया सभी गांव वालों को बताती है कि अब उसके घर में भी टीवी है, इसलिए जिस किसी को भी टीवी देखने का मन हो तो उसके घर में आ जाए। जिसके बाद सभी गांव वाले उस जादुई टीवी को देखने के लिए बिंदिया के घर जाते हैं। और जब सेठ को बिंदिया के घर में टीवी होने के बारे में पता चलता है, तो वो उसके टीवी को तोड़ने के लिए रात के अंधेरे में एक बड़ा सा पत्थर लेकर उसके घर जाता है। और जैसे ही टीवी को तोड़ने के लिए आगे बढ़ता है, टीवी चलने लगता है और गुस्से में सेठ से बोलता है। सेठ, तू मुझे तोड़ने आया है? रुक, अभी मैं तेरी हड्डियां तोड़ता हूँ। इतना बोलकर टीवी उसकी खूब पिटाई करता है और शोर की आवाज सुनकर बिंदिया की आंख खुल जाती है और वह सभी गांव वालों को इकट्ठा करती है। जिसके बाद जादुई टीवी बिंदिया से बोलता है। ये मुझे तोड़ने आया था, इसीलिए मैंने इसकी हड्डियां तोड़ दी। तुम बोल सकते हो? हाँ, मैं बोल सकता हूँ और सुन भी, और तुम सभी गांव वालों की इच्छा भी पूरी कर सकता हूँ। परंतु ऐसे लालची घमंडी मक्कार इंसान की मैं सिर्फ हड्डियां ही तोड़ता हूँ। आज तो मैंने इसे जिंदा छोड़ दिया, पर अगर अगली बार ये मुझे तोड़ने या तुम लोगों को परेशान करने आया तो मैं इसे भगवान के पास पहुँचा दूंगा। ये देखकर सभी गांव वाले बड़े हैरान होते हैं, तो वहीं कुछ लोग मिलकर सेठ को हॉस्पिटल पहुंचाते हैं। अब सेठ को उसकी गलती का एहसास हो जाता है और उसे उसके किए की सजा मिल जाती है। तो वहीं दूसरी ओर पहले की तरह सभी गांव वाले बिंदिया के घर में आकर जादुई टीवी में अपने मन पसंद प्रोग्राम को देखते हैं और इस तरह से बिंदिया का जादुई टीवी बहुत ही ज्यादा मशहूर भी हो जाता है।